गुड मॉर्निंग लवली स्टूडेंट, आज हम क्लास फिफ्थ और सब्जेक्ट आपका हिंदी है और चैप्टर फोर और टॉपिक है मन की सफाई। बच्चों, हम लोगों ने मन की सफाई के बारे में जाना था और सभी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गए थे। सब दस अपशब्द उत्तर भी कंप्लीट हो गया था, केवल घ बाकी रह गया था, इसलिए आज इसको भी कंप्लीट करा दिया जा रहा है। आप इसको राइट करके लर्न करने की कोशिश करेंगे और लर्न भी करेंगे, ये मेरी तरफ से आपको आदेश है, इसका आप पालन करेंगे हमें उम्मीद है। इसलिए आइए प्रश्न नंबर घ को कंप्लीट करते हैं। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? प्रश्न हमारा से क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर है यह शिक्षा मिलती कि है कि हमें हमेशा चाहिए। हमें सबकी भलाई देखनी चाहिए जिससे चाहिए जिससे हम हमेशा हमेशा सबकी भलाई देखनी चाहिए जिससे हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे। अगर हम बुराई को देखेंगे तो हम कभी भी खुश नहीं रहेंगे। अगर आप इतना चाहते हुए लिख सकते हो, अगर हम सबकी बुराई को देखें तो हमेशा दुखी और अशांत रहेंगे।
इसलिए बच्चों जैसे इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सबकी भलाई देखनी चाहिए, इससे हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे। अगर हम सबकी बुराई को देखते रहें तो हमेशा दुखी और अशांत रहेंगे। ये आपका आज चैप्टर कंप्लीट हो गया और आप लोग उसको लर्न करेंगे। अब आते हैं चैप्टर 5 है, देखिए बुक में दिख रहा है चैप्टर 5 और टॉपिक है हमारा पटाखों से तौबा। जैसे प्रस्तावना में देखिए पटाखे जलाने से अनेक रोग जन्म लेते हैं, पैसे की बर्बादी होती है, कई बार तो गंभीर हादसे भी घट जाते हैं। पटाखे जलाना किसी तरह से ठीक नहीं है, न स्वास्थ्य के लिए और न वातावरण के लिए। कि अब देखिए इसमें एक कहानी के माध्यम से बताया गया है, हम लोग को मोटिवेट किया जा रहा है कि हम लोग भी पटाखों से दूर रहें, पटाखे जलाने के बारे में न सोचें। अगर अपनी और अपने वातावरण की भलाई करनी है तो हमें ये कदम संकल्प उठाना होगा, क्योंकि जो पटाखे होते हैं बेटा उसमें बारूद भरे होते हैं, विषैले गैस जो जलाने पे विषैले गैस निकलते हैं उसमें से, और हमारे एटमॉस्फेयर को वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो इसलिए हमें पहले बड़ों को एक्टिव होना होगा उसको मना करने के लिए, कि अपने घर के जो बच्चे हैं उनको किस तरह से समझाया जाए कि वो पटाखे न जलाएं, फिर वो बाहर जाके दूसरे को बताएंगे, दूसरे बच्चों से जुड़ेंगे। तो पहले पहल हमें अपने घर से करनी चाहिए, क्योंकि घर जो परिवार होता है समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। अगर परिवार एक एक परिवार ये संकल्प ले लें तो हमें इसका बहुत फायदा मिलेगा। जैसे कि आप जानते हो पटाखे से बारूद बनते हैं, कभी कभी जो पटाखे के जो कारखाने होते हैं वहाँ पे कोई चिंगारी होती है, आग लग जाती है तो कई लोग जल जाते हैं, कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, घायल हो जाते हैं। तो बच्चों ये बहुत ही डेंजरस चीज़ें हैं, कभी कभी जैसे जलाते हैं अगर उसमें आग नहीं लगी होती है तो लोग जाके पास में चले जाते हैं, वो ब्लास्ट कर जाता है तो फिर कहीं उसका फेस जल जाता है या हाथ जल जाती है। तो किसी तरह से कोई ना छोटी और बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें पटाखों को ही अपने जीवन में नहीं लाना होगा, तभी हम सुरक्षित रह सकेंगे और हमारा जो वातावरण है वो भी शुद्ध हो पाएगा। सबसे ज़्यादा तो इसमें हम लोग के साथ पैसे की भी इसमें क्षति है बच्चों, क्योंकि पैसे से इसको खरीदा जाता है और जब ये आवाज़ भी करता है इसमें इससे कई तरह के प्रदूषण होते हैं, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण इसमें जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें उनको अवॉइड करना होगा। तो देखिए पटाखे जलाने से अनेक रोग जन्म लेते हैं, सही बात है, जो धुआं उसमें से निकलता है वो हमारी स्किन के लिए भी डेंजरस है, पैसे की बर्बादी होती है, सही बात है, सबसे बड़ा चीज़ है कि पैसे से बच्चे मानते नहीं हैं और पैसा ले आते हैं, फिर जब वो बच जाता है तो उसका ख़त्म हो जाता है और पैसा भी इन्वेस्ट हो जाता है। तो कई बार तो गंभीर हादसे भी घट जाते हैं, अभी आपको हमने बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि आग लग जाती है या वो ब्लास्ट कर जाता है तो हमारे फेस पे हाथ पे कभी घटनाएं घट जाती हैं। पटाखे जलाना किसी तरह से ठीक नहीं है, न स्वास्थ्य के लिए न वातावरण के लिए। तो देखिए रवि, सचिन और मुकुल 5वीं कक्षा के विद्यार्थी थे, मध्यावकाश का समय था, 2 दिन बाद दीपावली थी। तीनों मित्र दीपावली पर विभिन्न प्रकार के पटाखे खरीदने की योजना बना रहे थे, कि हम लोग जानते हैं बच्चों कि दीपावली पे ही ज़्यादा पटाखे बिकते हैं, पटाखे की दुकानें जो शॉप होती हैं वो लगती हैं। तो जो कक्षा 5 के जो 3 बच्चे हैं रवि, सचिन और मुकुल, मध्यावकाश में होता है इंटरवल हुआ था और वो लोग तीनों जो दोस्त मिल के पटाखे खरीदने के लिए अपना योजना बना रहे थे। फिर रवि, मैं तो 5 दर्जन बम फुलझड़ियाँ और छतरी वाला
रैकेट लाऊंगा। सचिन अपनी बात रखता है कि मैं 5 दर्जन बम, फुलझड़ियाँ और छतरी वाला रैकेट लाऊंगा। फिर सचिन जो है वो बोलता है, भाई मैं तो 1000 बमों वाली लंबी लड़ी लाऊंगा, जब तड़ तड़ करती चलेगी तो बहुत मज़ा आएगा। फिर मुकुल बोलता है, मैं भी ढेर सारे रॉकेट और अनार बम लाऊंगा। इन तीनों की बातें विज्ञान की अध्यापिका श्रीमती पूजा वर्मा के कानों में पड़ी। उन्होंने मन ही मन कुछ सोचा, फिर चली गई। मध्यावकाश के बाद श्रीमती पूजा वर्मा कक्षा में आई। बच्चों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। श्रीमती पूजा वर्मा ने वायु प्रदूषण से संबंधित एक चार्ट पेपर श्याम पट के पास लटकाया कि जैसे जो बच्चे तीनों बात कर रहे थे उनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं था कि पटाखे हमारे लिए क्या आवश्यक हैं या डेंजरस हैं, कि हमें उनको नहीं चलाना चाहिए। तो जो तीनों बच्चे आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे और लंच का पीरियड था, लंच चल रहा था, तो पूजा थी, टीचर थी, वहाँ की अध्यापिका थी, वो उनकी बातों को सुन रहे थे। उस समय वो कुछ नहीं बोली, वहाँ से चली गई। फिर जब लंच ख़त्म हो जाता है, जब क्लास में बच्चे एंट्री कर लेते हैं, तो पूजा वर्मा का जब क्लास आता है तो वो एक वायु प्रदूषण का जो चार्ट होता है वो ब्लैक बोर्ड के पास लटका देती हैं। अध्यापिका, बच्चों 2 दिन बाद दीपावली है, क्या आपने पटाखे खरीद लिए हैं? प्रश्न पूछती हैं। उनके मन में ये बात आ गई थी कि बच्चे जो दीपावली का समय है, बच्चे पटाखा खरीदेंगे, और ये बात उन्होंने सुन भी लिया था। तो क्लास में आती हैं और बच्चे पूछती हैं कि 2 दिन बाद दीपावली है, क्या आपने पटाखे खरीद लिए हैं? सचिन, नहीं मैडम, मैं कल खरीदूंगा। विजय, मैडम मैंने बहुत सारे बम खरीदे हैं। अंकित, मैडम मैं तो पूरे 1000 रुपये के पटाखे लूंगा। देखिए, 3 बच्चे 3 तरह की बातें करते हैं। सचिन कहता है कि मैं अभी नहीं लिया हूँ, मैं कल लूँगा। विजय कहता है कि मैंने सारे बम खरीद लिए हैं। और जो अंकित है वो कहता है कि मैं 1000 के पटाखे लूँगा। अध्यापिका, अच्छा तो पटाखे सभी को पसंद हैं? तुम्हें आश्चर्यचकित होता है तो पूछते हैं कि क्या पटाखे सबको पसंद है, लेकिन क्या आप जानते हो कि पटाखे कैसे बनते हैं? बच्चों को क्या पता कि पटाखे कैसे बनते हैं? हमें उनको ये चीज़ जानकारी देंगे तभी बच्चे जानेंगे। तो इसलिए पूछती हैं कि आप जानते हो कि आपको पटाखे पसंद है, लेकिन आप जानते हो कि कैसे बनते हैं? सब बच्चे एक साथ, नहीं मैडम। अध्यापिका, अच्छा मैं बताती हूँ। पटाखे बनाने के लिए मुख्य रूप से पोटेशियम क्लोरेट और गंधक का एक निश्चित अनुपात में मिश्रण तैयार किया जाता है। इस मिश्रण को मोटे कागज की बेलनकार आकृति की नली के अंदर भर दिया जाता है। जब पटाखे को जलाया जाता है तो इस मिश्रण के जलने से अत्यधिक गैस निकलती है। इससे पटाखे के अंदर बहुत अधिक दबाव पैदा होता है और वह बहुत तेज धमाके के साथ फट जाता है और कई तरह की विषैली गैसें भी निकलती हैं। इसको किस चीज़ से बनाया जाता है? पोटेशियम क्लोरेट और गंधक का निश्चित मिश्र होता है, मतलब दोनों एक बराबर मात्रा में इसमें मिलाया जाता है। फिर इसको मोटे कागज बेलनदार, जैसे रोल जो होता है, मोटे का कई परत के जो कागज होते हैं उसको बेलन आकृति में करके उसमें भर दिया जाता है। फिर जब इनको जलाते हैं तो जलाने से अत्यधिक गैस निकलती है और पटाखे के अंदर इतना दबाव पैदा होता है कि वो ब्लास्ट कर जाता है, मतलब भार से फूट जाता है। फिर और इसमें से जब वो जल जाता है, फट जाता है, तो इसमें से कई तरह की विषैली गैस निकलती है। फिर रवि, एक साथ विषैली गैस? मैडम तो फिर तो वे जरूर नुकसान पहुंचाती होंगी। देखिए, बच्चा तुरंत उल्टी हो गया, उसके अंदर ये बात
उसके घर कर गई कि तब तो वो हमें जरूर नुकसान पहुंचाती है, जब विषैली गैस है तो वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। फिर अध्यापिका, बिल्कुल ठीक कहा तुमने रवि, ये गैसें न केवल हमारे लिए बल्कि पशु पक्षियों और वनस्पतियों के लिए भी अत्यंत हानिकारक होती हैं। कि केवल मनुष्य के लिए नहीं ये गैस खराब है, बल्कि पशु पक्षियों और वनस्पतियों के लिए भी हानिकारक होती हैं। फिर रवि, ये तो हमें मालूम ही नहीं था मैडम। बच्चा तुरंत एक्टिव होता है, बोलता है कि मैम हम लोग तो ये जानते ही नहीं थे। एक ज्ञान के थ्रू, एक चार्ट के थ्रू आपने ये चीज़ बताया और हम लोगों को ये चीज़ की नॉलेज हुई। फिर अध्यापिका, जब चित्र देखो, प्रकृति ने हमारे बचाव के लिए पृथ्वी पर एक छाता ताना हुआ है, जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। कि यह चित्र देखो, प्रकृति ने हमारे बचाव के लिए पृथ्वी पर एक छाता ताना, जिस तरह कि हमें बरसात से बचाने के लिए हम छाता का यूज़ करते हैं, उसी तरह से हमें हम लोगों को बचाने के लिए एक ओजोन की परत है जो हमें हमारी सुरक्षा करती है। ओजोन परत सूर्य की पैरा बैगनी किरणों को पृथ्वी पर लाने से रोकती हैं। फैक्ट्रियां, वाहनों और पटाखों आदि से निकलने वाले जहरीला धुआं ओजोन के इस परत को नुकसान पहुंचा रहा है। इस कारण इस छाते में बड़े बड़े छेद हो गए हैं। तो जैसे जो ओजोन है, जो उसको जो धुएं हैं और जो फैक्ट्रियों के वाहनों और पटाखों आदि से निकलने वाले जो जहरीला धुआं है, वो ओजोन को कमज़ोर कर रहा है, उसमें बड़े बड़े छेद हो गए हैं। फिर मुकुल, फिर तो मैडम जो पटाखे हम चलाएंगे उनका धुआं तो ओजोन परत को और भी नुकसान पहुंचाएगा। तो मुकुल बोलता है कि अगर हम पटाखों को जलाते हैं तो ओजोन परत के लिए और भी खतरनाक हो जाएगा, और भी डेंजरस हो जाएगा। फिर अध्यापिका, ठीक कहा तुमने मुकुल, यदि फैक्ट्रियों, वाहनों और पटाखों का धुआं इसी तरह निकलता रहा तो मालूम है क्या होगा। कि अगर हम धुएं, पटाखों के जो धुएं निकल रहे हैं, तो अगर उस पर हम फैक्ट्रियों, वाहनों और पटाखों से जो धुएं निकल रहे हैं उस पर हम लोगों ने कंट्रोल नहीं किया तो आगे जानते हो क्या होगा। अगर हमें उससे बचना है, अगर हमें उसको कंट्रोल करना है, तो हमें पहले इस निकलने वाले धुओं को कंट्रोल करना होगा। मुकुल, नहीं मैडम, नहीं। अध्यापिका, इस धुएं के कारण ओजोन परत पर पड़ चुके छेद और भी खुल जाएंगे। परिणाम यह होगा कि सूर्य की पैरा बैगनी किरणें फसलों और पशुओं को भी नहीं, सारा मनुष्य जाति को बर्बाद कर देगी। जैसे सूर्य की जो प्रकाश है सीधे मनुष्य पे नहीं पड़ती, उसको ओजोन जो परत होता है उसको कम करके हमारे पास पहुंचाता है, जिससे हम लोग उससे बचते हैं। अगर सीधे सूर्य की प्रकाश पैरा बैगनी जो किरणें हमारे शरीर पड़ेंगी तो हमें अनेक तरह की बीमारियाँ हो सकती है, स्किन एलर्जी सबसे पहले हो सकती है। तो इस तरह से अगर छेद कम नहीं हुआ और बढ़ता जाएगा, इसी तरह से हम लोग अपने मतलब धुओं पे कंट्रोल नहीं करेंगे, तो एक दिन ऐसा होगा कि वो छेद और भी खुल जाएगा और पशु पक्षियों को नहीं, सारी मनुष्य जाति को भी इसका ये जाति को बर्बाद कर देगा। बच्चों, आज तक के लिए इतना ही। फिर आगे की वीडियो में इसके बारे में और डिटेल में बताया जाएगा और एक्सरसाइज भी कम्प्लीट कराई जाएगी। कल मिलते हैं हिंदी के पीरियड में। आज तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। गुड बाय स्टूडेंट, बाय बाय।